हेलो फ्रेंड्स, मतलब मेरे चैनल कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ हॉल शेयर करने आई हूँ। एक्चुअली में क्या है, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके चेकआउट कीजिएगा। मैं गई थी यहाँ का जो बिग बाज़ार, इस तरह के प्लास्टिक वगैरह का जितना भी जो भी सामान होता है या फिर मतलब काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिलता है, तो वहाँ का मैंने विज़िट किया था और वहाँ से मैं काफ़ी सारी बास्केट्स वगैरह लेकर आई थी। तो वही मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं एक स्टेशनरी की दुकान पर भी गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी, जैसे कि ये दो पेन, ये वाला जो पेन है सेलो ग्रिपर, आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा ना, किया है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। एक्चुअल में मैंने ये बहुत टाइम के बाद परचेज किया था और इसकी जो प्राइस है वो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई है, डबल ही हो गई है ऑलमोस्ट, तो क्या ही। जो ये 5 रुपये का हम यूज़ किया करते थे, ये आज 10 रुपये का आने लग गया है। तो मुझे ये बड़ा शॉकिंग लगा, वैसे तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो ये भी है। और ये दो मैं अपने लिए डायरीज लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था ना कि मैं डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करूँगी, जिसमें मतलब जो भी फेस्टिवल्स वगैरह मेरे रहा करेंगे उनके बारे में मैं डिटेल्स इसमें लिख के रखा करूँगी, तो उस हिसाब से मैं एक डायरी लेकर आई हूँ। और एक आप में से ही एक फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया था, मेघना जब आप इतना डिप्रेस फील करते हो, आपको ज़रूरत होती है आप किसी फ्रेंड के या फैमिली मेम्बर के साथ अपनी चीज़ों को आप शेयर करो, तो आप इस अपनी डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करो। डायरी में आप सब लिखना लिख दिया करो जो आपको फील होता है कि आप किसी के साथ शेयर करो या फैमिली या किसी, तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैं ये डायरी लेकर आई हूँ। मैं भी स्टार्ट करूँगी लिखना। और क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट अब मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों की चीज़ों से। तो सबसे पहले जैसे तक्ष अभी थोड़ा मतलब बदमाशियाँ बहुत ज़्यादा करने लगा है और ये उसके लिए सही टाइम है कि हम उसके लिए इस तरह के टॉयज लें। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इस तरह से, तो ये मैंने उसके लिए लाया है, तो उठ कर आ गया है पीछे पीछे। तो ये तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं, हर तरह के मैं आपको इसको खोलूँगी तो ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने एक लिया है, ये मैं उसको दे देती हूँ, लो जाओ डैडी पास जाओ। और नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये पेंसिल बॉक्स, इस तरीके का, ये बिहार को पसंद आया था, तो एक ये इसमें अपार्टमेंट है, बहुत सिंपल सा है, बहुत क्यूट सा है, तो मैंने उसको लेकर दिया। और नेक्स्ट मैंने मोबाइल के लिए लिया था, ताकि आप चार्जिंग वगैरह में लगाओ तो मतलब रहता है ना, हम क्या करते हैं चार्जर के ऊपर ही रख देते हैं तो वो सेफ नहीं रहता है, तो इस तरीके के ये मुझे होल्डर मिल गए थे, तो मैंने ये ले लिए थे 4। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो इस तरीके का है, ये मोबाइल स्टैंड है, ये इस तरीके का, आप लोगों ने अमेजोन वगैरह पे भी देखा होगा, लेकिन वहाँ बहुत कॉस्टली रहता है, तो मेरा कभी मंगाने की हुआ नहीं कि मैं मंगाऊँ। तो इस तरीके से है, ये 4 का सेट था, तो हमने ये ले लिया था मोबाइल। और इसमें ना पीछे स्टिक करने का भी है, इसको आप हटाएंगे तो स्टिक हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो ये स्टिक इतना काम करेगा, मोबाइल सेफ नहीं रहेगा, आपको किसी और चीज़ से ही इसको स्टिक करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये मिरर, ये मिरर मैंने लिया है, थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा दें, क्या है छोड़ो।
और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने, अरे क्या है छोटे, मेरे पास जो नाइफ सेट है उसकी सिज़र टूट गई थी, आटे का पैकेट हम लोग कट कर रहे थे तो उससे टूट गई, क्या कहते हैं वो, ऐसे तो वैसे भी यहाँ का पानी बहुत ख़राब है तो एक साल वो चल गई, उतना ही इनफ है क्योंकि जंग लग जाती है, तो इस तरीके से है वो सिज़र। और ये सिज़र काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी हैवी है, तो ये एक सिज़र मैंने लिए। और नेक्स्ट मैंने कुछ बास्केट्स लिए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा जो सामान है वो थोड़ा मैस रहता है, तो उसके लिए मैंने कुछ बास्केट्स लिए हैं ताकि मैं उसमें अच्छे से अरेंज करके रख पाऊँ। तो पहली तो मैंने ये स्टील का सेट लिया है, तो कुछ इस तरीके से है, ये है एक सबसे बड़ी है और उससे छोटी है ये है, तो इस तरीके से तीन का सेट है। ये मैंने दो लिए हैं, ये इस तरीके से, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, मेरे बच्चे बहुत वो कर रहे हैं इंटरप्ट। तो और एक मैंने लिया है इस तरीके से, है ये सब्जी वगैरह वॉश करना हो या कट करना हो तो धोने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एक और मेरे पास इस तरीके से ही थी, मतलब उसमें पूरे में जाली नहीं थी, एक साइड में जाली थी, वो मेरी टूट गई, तक्षण फेंक दी थी उठाकर, तो ये काफ़ी हैंडी लगी मुझे, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। सो नेक्स्ट मैंने लिया है, जैसे कि पापड़ वगैरह होते हैं वो लखने में बड़ी दिक्कत होती है पैकेट उनके, तो मैंने इस तरीके का एक बॉक्स ले लिया है पापड़ रखने के लिए, और कोई भी मतलब और चीज़ हो तो एंड टाइम पे फिर ज़रूरत पड़ती, तो इस तरीके से एक डिब्बा लिया है मैंने ये बॉक्स। और ये दो मैं लॉक लेकर आई हूँ, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ मैं आपसे किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये मैं लॉक क्यों लेकर आई हूँ, वैसे तो ये लॉक जो काम आते हैं वो होते हैं उसके लिए, जैसे कि आप साइकिल वगैरह में लगा दो तो पब्लिक प्लेस में चोरी जिससे बचे इसलिए। और अब मैं लेकर आई हूँ दो ये ट्रे हैं इस तरीके से, ट्रे मेरी थोड़ा ख़राब हो रही थी तो मेरे को ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली दो, काफ़ी सारा सामान मैंने ले लिया। और एक मैंने ली है ये बास्केट इस तरीके से, है ये फोल्डेबल बास्केट है इस तरीके से, काफ़ी स्पेशियस है, आप इसके दोनों इस तरीके से करेंगे और ये फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। और ये मैंने फर्स्ट टाइम वो शॉप पे देखी तो मैंने कहा चलो मैं दो ले लेती हूँ, तो इस तरीके से मैंने ये दो बास्केट्स लिए हैं। और एक मैंने लिया है ये स्ट्रेनर, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा कि चलो ले लेती हूँ, तो मैंने एक ये स्ट्रेनर लिया है। और दो मैंने ये वाली बास्केट ली है, ये इस तरीके से है, ये भी काफ़ी स्पेशियस हैं, ये भी मैं कपड़े वगैरह रखने उस हिसाब से यूज़ करूँगी। और दो मैंने इस तरीके से बास्केट लिए हैं, मैंने कलर का ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैचिंग मैचिंग टाइप ही आ गए हैं। सो कुछ ये बास्केट्स वगैरह मैं लेकर आई थी, तो जब मैं कुछ चीज़ लेकर आती हूँ या कुछ चीज़ अपने घर के लिए मंगाती हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं आप सभी के साथ ही शेयर करूँ, तो मेरे ये जो बास्केट और ये किचन के कुछ प्रोडक्ट, इनका आप सभी को कैसा लगा, मैंने कैसी खरीदी है, और इन सब के प्राइस मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं है, सो वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है बास्केट्स वगैरह, अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी ब्लॉग में और आप सभी से बता दूंगी। सो ये मेरी शॉप से आप पेंसिल बॉक्स गिर गया, तो ये आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग प्लीज़ बताना। और एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, आपको अभी आपका बचपन, आप लोगों ने भी ये वाली पेंसिल यूज़ करी होगी ना, नुक बदलने वाली, इस तरीके से जो नुक्स आती हैं, करी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरा ये हॉल वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, इसकी सीटी बड़ी खुश वाली निकली। सो आपको मेरा ये हॉल वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, आई रियली होप आपको मेरा ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके भी मेरे को भी अपनी फैमिली को हमें बड़ा करना है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किया करो, अगर अच्छा लगा करे वीडियो तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो,
ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस मैं लाती रहूँगी। ब्लॉग से हटकर भी मैं कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, वो सब आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। पर आप लोग का सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कॉमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।